से जुड़े मामले की है। दरअसल इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके में रहने वाले एक शख्स ने 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण इसलिए कर लिया क्योंकि उस शख्स का दिल उसकी मां पर आ गया था और वह उसकी मां को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। अपहरण करने वाला महादेव महिला के पति के साथ काम करता था, इसी दौरान उसका दिल महिला पर आ गया और महिला को शादी के लिए मजबूर करने चलता। मजबूर करने के चलते महादेव उसके 3 साल के बच्चे को लेकर उड़ीसा भाग गया। मामला वर्ष 2017 का है। मामले की शिकायत मिलते ही हरकत में आई मूसाखेड़ी पुलिस ने ताबड़तोड़ जाल बिछाया। इस दौरान उस शख्स ने फोन कर महिला को शर्त रखी कि अगर वह उससे शादी करने के लिए तैयार है तो वह उसका बच्चा सकुशल लौटा देगा। महादेव की लोकेशन मिलने पर पुलिस ने उड़ीसा में दबिश दी और उसे बच्चे के साथ हिरासत में लिया। कोर्ट में 15 गवाहों के बयान और सबूतों के मद्देनजर महादेव को दोषी पाया और उसे 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। क्या इस मामले में आज कोर्ट में सजा सुनाई है? क्या स्थिति, कौन था ये बच्चा और क्या किन हालात में इसका अपहरण हुआ था? माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान सुशील कुमार शर्मा साहब द्वारा आज पुलिस आजाद नगर के द्वारा बनाए गए एक धारा 363 के मामले में आरोपी महादेव पिता बंधाना निवासी बिन मित्रापुर उड़ीसा को 5 साल का सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। आरोपी द्वारा दिनांक 11/4/17 को मूसाखेड़ी चौराहे से अवयस्क बालक हिमांशु, जिसकी आयु 3 वर्ष थी, उसकी माता पिता की वैध संरक्षा से ये लेकर गया था और ये उस समय लेके गया था जब इस बालक की माता सोनिका यादव इस बच्चे के साथ दो और उसके बच्चे थे उनको जूस पिलाने के लिए मूसाखेड़ी चौराहे पे लेकर गई थी। उस समय ये जो महादेव है, इसका लड़का राजू, जो वो भी इस केस में मुलजिम था, लेकिन इस केस के चलते रहते हुए वो फरार हो गया था, इसलिए उसका केस बाद में ट्रायल के लिए आएगा। सिर्फ इसके लिए इस केस का ट्रायल हुआ था, आरोपी महादेव के लिए, और इसको आज माननीय न्यायालय द्वारा जो अभियोजन द्वारा लगभग 15 गवाह इस केस के समर्थन में कराए गए थे उस पर विश्वास करते हुए इस आरोपी को धारा 5 साल का सश्रम कारावास और 6,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अच्छा, ये कब का केस था, कब का मामला था? ये दिनांक 11/4/2017 की घटना थी मूसाखेड़ी चौराहे की। ठीक है। मैं विमल मिश्रा, लोक अभियोजक, जिला न्यायालय इंदौर।